राहुल गांधी वो अभी सियासत कांग्रेस को खत्म करने में उन्हें 15 साल लगे, विपक्ष को खत्म करने में मुझे नहीं लगता 15 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। राहुल गांधी जी को अभी सियासत सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी ये मैं क्यों कह रहा हूं, लोकसभा जीत करके संसद आ जाना देश को समझने जैसा नहीं। सियासत के लिए देश को समझना पड़ेगा और देश को समझने के लिए भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सभ्यता, सनातन को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से नेता बने, वो अपनी जमीन को कांग्रेस को क्यों देंगे? तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि भाई हम सिर्फ दिल्ली में समझौता करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे। ममता जी ने कह दिया कि हम बंगाल में नहीं करेंगे। ऐसे ही अखिलेश यादव जी किसी दिन भी कह देंगे कि समझौता हमारा लोकसभा तक था, उत्तर प्रदेश में हम 400 की 400 सीट लड़ेंगे। तो कांग्रेस कहीं की भी नहीं रह पाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस खत्म हो जाए। महात्मा गांधी की इच्छा को नेहरू जी पूरा नहीं कर पाए, इंदिरा जी भी पूरा नहीं कर पाए, राजीव गांधी भी पूरा नहीं कर सके। जो काम इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी नहीं कर पाए वो 15-16 सालों में राहुल गांधी ने कर दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। बाकी देश की अदालत पर हमें यकीन है वो इंसाफ करे। देखिए लीकेज राम मंदिर में नहीं, रामद्रोहियों के दिमाग में है। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि राम मंदिर में पानी भर गया। इनसे कहो राम मंदिर की फिक्र ना करें, राम मंदिर की फिक्र, उसकी इमारत की फिक्र राम मंदिर जन्म ट्रस्ट है वो करेगा। ये जितने रामद्रोही हैं इन्हें बड़ा मजा आता है जब कभी ऐसी खबरें मिलती हैं। जैसे अयोध्या में जब चुनाव हार गए तो कहने लगे अयोध्या हार गई, अयोध्या ना हारी है ना हार सकती, ना कभी हारेगी। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना अयोध्या का हारना नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही मंदिर है कि भारत है, उसमें कहीं लीकेज है तो ठीक हो जाएगी, उसमें हाय तो बा करने की क्या जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने जो कहा है वो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। उन्हें मालूम है कि उनकी सदस्यता कोई रद्द नहीं करेगा, उनकी सदस्यता रद्द करने से कोई देना देना थोड़ी है। अगर उन्हें इतनी मोहब्बत है वहां तो वो वहां जाके चुनाव लड़ाएं। अब संसद भारत की, सांसद भारत का नारे लगाएं दूसरे को तो ठीक नहीं। हम भी फलस्तीन के साथ हैं, हम भी फलस्तीन को पसंद करते हैं, हमें भी मोहब्बत है वहां, जितना जुल्म जाती हुई उसके हमने भी खिलाफ बात की है। लेकिन अपना वतन अपना वतन, अपना मुल्क अपना मुल्क, भारत जिंदाबाद था भारत जिंदाबाद रहेगा। जय जय जयकार तो भारत की होनी, जय जयकार भारत माता की।